सभी को जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, ये जो सामने जो आप देख रहे हैं, जो 1 मई से 3 मई के बीच पटना इस्कॉन मंदिर का श्री बांके बिहारी जी का उद्घाटन हुआ था मंदिर का, उससे पहले 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठान चला था। ये मूर्ति देख रहे हैं बांके बिहारी जी का, श्री हनुमान जी का, ये मेन गेट हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठान से पहले भगवान को विश्रामालय कक्ष जो होता है विश्राम, इसी में श्री हनुमान जी, बांके बिहारी जी, अलग अलग सब भगवान को सोने के लिए जो बनाया गया था विश्रामालय कक्ष, वही है। इतना अच्छा से डेकोरेशन किया गया था, एसी उसी सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, वो आप देख रहे हैं। क्योंकि 2 मई 2022, क्योंकि 3 मई को रात में भगवान का मूर्ति स्थापित किया गया था, उससे पहले रात में भगवान यहीं पर विश्राम किए थे, उसी का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इसी पे महाराज जी का जब सब कुछ आरती उरती खाना पीने के बाद यहीं पे भगवान विश्राम जी किए थे। ये इस्कॉन के अध्यक्ष और वीआईपी कुछ हैं जिनको बताया जा रहा है कि यहीं पे भगवान रात में विश्राम करेंगे। आप सामने देख रहे हैं फल फूल सब कुछ रखा हुआ है, शाम का आरती के बाद यहीं पे भगवान को, क्योंकि मूर्ति स्थापित करने से पहले 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठान चला था। तो 1 मई 2022 से लेकर 3 मई 2022 तक प्राण प्रतिष्ठान चला था। और ये जो आप देखे थे 2 मई 2022, क्योंकि मूर्ति स्थापित हुआ था 3 मई 2022 को, ये वीडियो 2 मई 2022, ये सामने का आप डेकोरेशन देख रहे हैं, बहुत ही भव्य नज़ारा था 3 मई 2022 को। ऊपर से कैसा दिख रहा था वो आप देखिए। सामने श्री माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वो सब मिलके रात में इसका उद्घाटन किए थे। और ऊपर से कैसा व्यू दृश्य देख रहा है, ये 2 मई 2022 का है, देख रहे काफ़ी ज़्यादा। प्राण प्रतिष्ठान से चल रहा था, एक छोटा सा क्यूट सा नन्हे मिले थे, ये मायापुरी अयोध्या से भी आए थे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक बार सबको जय श्री राम, राधे राधे, हरि।